नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंगरी स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस 12 में आज होने वाला है घमासान। आज खींचने वाली है एलओसी, मगर एलओसी तो खींचेगी, उसके साथ हैप्पी क्लब हो जाएगा तिनका तिनका, यानी कि बिखर जाएगा हैप्पी क्लब और टारगेट होंगे रोमिल चौधरी। ये सब बातें करते हैं, पहले आप कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और साथ में दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल। दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखोगे कि किस तरह सोमी को लेके दीपक और रोमिल में पड़ी दरार, और इस दरार को और ज्यादा बोलते हैं ना कि गहरा किया और ज्यादा डार्क किया केवी ने भी इसमें पूरा साथ दिया। सोमी बहुत बड़की रोमिल के ऊपर, उसने बहुत कुछ बोल डाला। दीपक ने भी रोमिल को टारगेट किया, और यहां तक कि सुरभि राणा जो पहले से रोमिल के अगेंस्ट थी, उसको भी मौका मिल गया रोमिल को और ज्यादा खरी खोटी सुनाने का। रोमिल जो इकलौता हैप्पी क्लब का कर्ता धर्ता माना जा रहा था, और उसके ऊपर सबने एक साथ कर दिया हमला, और रोमिल जो था वो घूम के जब केवी के पास पहुंचा और उसने बोला कि ये चाची वाली हरकतें बंद कर दो, तो केवी भी भड़क के उसके ऊपर और ज्यादा उन्होंने गुबार निकाला। अंदर बैठे श्रीचंद जो सुन रहे थे, उन्होंने ये बोला कि केवी का ये रूप नहीं देखा, तो और दीपिका का कहना था कि चल के हम लोग भी देखते, ये लोग भी तो हमारी लड़ाई का तमाशा देखते थे। तो ये सब चीजें होंगी आज घर के अंदर, रोमिल हो जाएंगे टारगेट, और हैप्पी क्लब जो अभी तक बातों में था कि हैप्पी क्लब बिखर गया है, हैप्पी क्लब अब अलग हो गया है, वो आज सरेआम दिखेगा अलग होता हुआ, जहां पे दीपक रोमिल के ऊपर एलिगेशन लगाते दिखाई देंगे, सुरभि रोमिल के ऊपर टूट पड़ेगी, सोमी जो उसको अब सबसे ज्यादा जिसको इसने अपना रोमिल ने बचाया है, वो सबसे ज्यादा रोमिल के अगेंस्ट हो जाएगी कि हाउ कैन यू से दैट कि मैं वीक हूं, जबकि हम सबको पता है कि सोमी कितनी वीक है। अब अगर वो सोमी ये चीजें बोलती है इस हफ्ते में पहुंचने के बाद, इतना लंबा आने के बाद, तो सोमी से बड़ा झूठा बंदा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बात उसको भी पता है कि कहीं ना कहीं वो हैप्पी क्लब की वजह से, रोमिल की वजह से इस वीक तक पहुंच गई है। आपको क्या लगता है, आज का एपिसोड देखिए और बताइए कि क्या वाकई रोमिल टारगेट होना चाहिए था, या फिर ये कोई और नया षड्यंत्र है रोमिल का इस तरफ आने का, यानी कि सेलिब्रिटीज की तरफ आने का। आप लोग बेटर जज हैं, आप लोग बताइए कि क्या है। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।